हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट टॉक डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे, काफ़ी कल इस वीडियो को काफ़ी प्यार मिला, गैलेक्सी M30s मेरे पास है। इसको काफ़ी कुछ इसका मैं टेस्ट कर चुका हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जो जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे थे, और अब काफ़ी हूँ के जवाब मेरे पास हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, जो जाना चाहते हैं डिटेल। और अगर आप लेना चाहते हैं फ़ोन तो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको मदद मिलेगी आपके डिसीजन के लिए। और जो ड्रोन लवर्स हैं उनको मैं पहले बता दूं, क्योंकि जैसे ड्रोन टेक डॉक्टर ड्रोन चैनल है, इस पर बेसिकली ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लाते हैं। उसके अलावा हम टेक भी चीज़ें लाते हैं। तो ड्रोन से रिलेटेड टेक में मोबाइल्स का जो काम है वो है मोबाइल ऐप, जब इसमें आप DJI की ऐप चलाते हैं तो उसके लिए भी ये अब वन ऑफ द बेस्ट मैं मोबाइल में कहूँगा एंड्रॉयड में। वैसे iOS के साथ DJI ऐप्स बेस्ट चलती है, एंड्रॉयड में ऑन बजट अगर आप मिड सेगमेंट में कहें तो दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन। तो आज हम इसी के बारे में जो जो भी क्वेश्चन आप कहते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। और बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरा डिटेल कल से अब तक मेरे पास है तो मैं सारा कुछ बताऊँगा जो जो अभी तक मुझे पता लग गया। उसके बाद कैमरा का 4K वगैरह का अलग से वीडियो बनेगा, तो इसमें ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि कैसे पिक्चर वगैरह और वीडियो क्वालिटी कैसी है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। तो पूरे बने रहिए वीडियो के साथ, सारी डिटेल्स आपको पता लग जाएंगी कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। दो लाइनों में अगर मुझे बताना पड़े इस फ़ोन के बारे में तो मैं कहूँगा ऑसम, बेस्ट फ़ोन है। अगर आपका बजट इसी रेंज में है मिड सेगमेंट का तो आप ये ज़रूर खरीदें, क्योंकि इतने अच्छे परफॉर्मेंस, इतने अच्छे फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स जो बड़े हाई एंड फोन्स में आते हैं वो आपको इसमें। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से पूछा गया था जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग दिखाई थी कि इसकी हैंडलिंग बताइए, क्योंकि इसकी 6000 mAh की बैटरी है, बहुत ह्यूज बैटरी है। और उसका आपको अनुमान लगाने के लिए सीधी एग्जांपल मेरे पास है। कल मेरे पास ये फ़ोन आया था और कल मैंने फुल चार्ज किया था अराउंड 11-12 बजे के आस अराउंड 2 बजे के आसपास मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया था। तब से 2 बज चुके हैं, आज के भी 2 बज गए हैं, और तब से मैं इस पर टिकटॉक के वीडियोस बना चुका हूँ, यूट्यूब के वीडियोस देख चुका हूँ, फ़ोन कॉल्स कर चुका हूँ और ऐप्स इसमें डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको अपडेट कर चुका हूँ और एक दो और अपडेट्स आई थी सॉफ्टवेयर की वो कर चुका हूँ, और कैमरा टेस्ट कर चुका हूँ, फ़ोटोज़ खींच चुका हूँ, एक आध वीडियो भी बना चुका हूँ, फुल HD पे 4K पे अभी नहीं गया, और गेमिंग भी कर चुका हूँ। अब इसके बाद आपको इसका मैं सबसे पहले बैटरी दिखाता हूँ कितनी बची है इससे। आपकी सबसे बड़ा इसका फीचर यही है कि इसकी बैटरी आपको, तो इसकी बैटरी अब अभी तक है 67%। अब इसमें आपको दिख रही है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये देखिए अब शायद क्लियर होगा, 67%। तो इसकी बैटरी अभी तक 67% है इतने इंटेंसिव यूज़ के बाद। अगर यही मैं यूज़ अपने iPhone पे करा होता, ये कभी भी ये चीज़ मुझे प्रोवाइड नहीं करता। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपको कम, जितना मर्जी आप इसको यूज़ करें, आप हाई एंड यूज़र हो, गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं अपने फ़ोन पे, काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर भी आपको 2 दिन आराम से अच्छे से देगा। तो मेरा कल से दो एक दिन पूरा हो चुका है, अब रात चल रही है, और कल फिर एक वीडियो आएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसको चार्ज पे नहीं लगाऊंगा ताकि इसकी फुल बैटरी मैं टेस्ट कर सकूं। अभी इसकी 67% बैटरी पड़ी है, मतलब सिर्फ अराउंड 40% के आसपास इसकी बैटरी, 40% से भी कम, अराउंड 37-38% बैटरी यूज़ हुई है, और इतने इंटेंसिव यूज़ के बाद। तो बैटरी के मामले में ये मॉन्स्टर है, और इतनी हाई बैटरी का। अब इसके बाद दूसरी बात आती है
की कॉम्पैक्टनेस, इतनी हैवी बैटरी होते हुए इतना कॉम्पैक्ट है आप देख सकते हैं। मैं बेसिकली कॉम्पैक्ट फोम्स, लाइट फोम, इजी टू हैंडल फोन्स को ही प्रेफर करता हूँ। 6000 mAh की बैटरी के साथ, 6.4 इंच का डिस्प्ले होने के साथ बावजूद इट इज़ वेरी लाइट वेट। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि लाइट वेट है या नहीं, हमने लेना है, काफ़ी लोगों की पसंद होती है लाइट वेट। ये बहुत लाइट वेट है, स्लिम फॉर्म फैक्टर है। इवन जो मेरे पास ये आईफोन है, आईफोन एक्सेस है फ्लैगशिप मॉडल, इसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा, इसकी अभी स्क्रीन इससे कम है, ये 5.8 है और ये 6.4 है। स्टिल इट इज़ मच ईजियर टू हैंडल एज कम्पेयर टू दिस। तो ये आपको कंपेरिजन के मैंने बता दिया। तो जो भी आपके डाउट्स हैं इसके रिलेटेड कि भारी होगा, भारी बिल्कुल नहीं है, बहुत इजीली मैं हैंडल करता हूँ, वन हैंड ऑपरेशन, मैसेज वगैरह मैं कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे मैं कर ही रहा हूँ, यू कैन सी वी कैन, मेरे हाथ भी ऐसे नहीं है कि काफ़ी काफ़ी बड़े हैं, मतलब मीडियम हाथ हैं। तो इट्स अ गुड थिंग, कोई हैंडलिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तो वो आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो बैटरी इज़ गुड, हैंडलिंग डिज़ाइनिंग इज़ गुड। अब आपको बात करते हैं कलर की। कलर का इन्होंने एक गिमिक किया हुआ है बेसिकली, जो भी मैं आपको बताना है सच बता रहा हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट एल्यूजन में आपको लगता है कि जैसे नोट लेटेस्ट आया, नोट 10 जो आया, उसमें और इसमें इन्होंने एक सिमिलैरिटी लाने की कोशिश की है, जैसे उसमें 7 कलर्स बनते हैं। तो जब आपको ऐसे दिखाया जाता है काफ़ी वीडियोस में, तो आपको लगता है कि ये ब्लू कलर का है सारा और बीच में ग्रीन ग्रीन टिंच मारता है, जैसे उसमें वाइट कलर की स्क्रीन 7 कलर दिखाती है। तो वो बात इसमें नहीं है, वो एक गिमिक है बेसिकली। ये बेसिकली है ही 2 रंग, जो इसका ऊपर वाला हाफ है अगर आप ध्यान से देखेंगे वो लाइट ग्रीन है, और इस तरफ से भी ये लाइट ग्रीन है और ये ग्रीन ही रहता है। जब आप पहली बार इस फ़ोन को देखते हैं तो सबको इल्यूजन होता है कि फ़ोन ब्लू है सारा और ये बीच में लाइट की वजह से टिंच मारता है, वो बात नहीं है, ये एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है। सो सच बताएंगे जो है, तो ये हाफ ग्रीन है, लाइट ग्रीन, और इस तरफ से आप देखेंगे तो वो फुल ब्लू है, साइड से भी ब्लू। तो पहली बार जब बंदे देखते हैं, आपने भी कल देखा होगा, ये जब आपके पास रहता है फ़ोन तभी कहते हैं ना हैंड्स ऑन, तभी मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको पता लग जाए। क्या बता दें, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रोसेसर की हैंडलिंग। आपके सामने मैं इसमें मल्टीपल ऐप्स खोलूँगा और आपको दिखाऊँगा कितने ज़्यादा ऐप्स ये खोल पाता है। इट विल बी ट्रू टेस्ट, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके प्रोसेसर की कितनी हैंडलिंग है। ये अब आप देखिए इसका ऐप्स के ऊपर, अभी मैं इसकी सारी ऐप्स अगर कोई पहले से खोली तो बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए क्लोज ऑल पे मैंने क्लिक किया, तब सब ऐप्स इसकी बंद हो गई। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी एबिलिटी, मैं सारी ऐप्स खोलता हूँ। अब जैसे मैंने नेटफ्लिक्स खोल लिया और ये मैंने करी बंद, होम पे गया, इसके बाद खोलते हैं स्नैपचैट। तो इसका आपको मैंने वो बता रहा हूँ, ये अमेज़ॉन खोल लिया एंड डेली हंट, इसमें ये कुछ ऐप्स पहले से प्री लोडेड हैं। ये आपको बताने जा रहा हूँ मैं इसकी कैपेबिलिटी। हेलो भी एक नई ऐड बिग बॉस में इसकी ऐड आ रही है, ये भी वीडियोज़ ऐप है, ये सब हैवी ऐप्स हैं जिसमें आपके वीडियोज़ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी ऐप्स खोल ली हैं ऑलमोस्ट, और अब आपको अंदर लेके चलते हैं। ये जेड पी प्ले ऐप है, ज़ियोन की मैंने वो ली थी गिम्बल, तो उसके लिए ऐप है, तो ये भी मैंने खोल ली। अब होम पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और ये टिकटॉक, टिकटॉक भी मैंने खोल लिया। एंड इसके अलावा देखिए कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। डेली हंट, डेली हंट भी मैं खोल लिया है। एंड और कौन सी है अभी भी, कोई भी माई जियो, माई जियो भी आपको खोल के दिखा देते हैं, माई जियो भी खुल गई, OLX भी खोल लेते हैं। तो इससे आपको मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ की पता लगेगी। और इसके अलावा ये OLX खुल गई, प्राइम वीडियो, प्राइम वीडियो भी खोल दिया मैंने, एंड माई गैलेक्सी,
फिर भी देखिए, कोई भी इतनी ऐप्स खुलने के बावजूद कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। ये गेमिंग ऐप है, इतनी ऐप खुलने के बाद गेमिंग भी मैंने शुरू मतलब इसमें कर दिया है ऑन, तो इतनी ऐप्स के बाद और एक गेम ऑलरेडी चल रही है गेम लॉफ्ट की, और अब आपको पबजी भी खोल के दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि पबजी की बहुत डिमांड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पबजी भी आपकी खुल गई। इतनी ऐप खुलने के बाद अब आपको होम पे चल रहे हैं, अराउंड 25-26 मैंने ऐप्स खोल चुका हूँ, फिर भी आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं। अब मैं वो सारी ऐप्स आपके सामने क्लोज करूँगा। ये देखिए कितनी ऐप्स इसमें चल रही थी, इसके आपको मल्टीटास्किंग गेम्स, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़ोटोज़ जो मैंने खींची हैं। काफ़ी अच्छा कैमरा है, काफ़ी ऑप्शंस आपको देते हैं। लाइव फोकस ऑप्शन में आपको बोके वगैरह मिलता है, मतलब बोके का मतलब पीछे से बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है। उसके अलावा आप इसमें फूड फोटोग्राफी में इसको ऑप्शन आ जाती है, कलर्स वगैरह थोड़े ब्राइट हो जाते हैं। नाइट फोटोग्राफी की अभी मैं पिक्स नहीं दे पाया, क्योंकि कैमराज को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा आने वाले टाइम में, तो उसमें कैमराज के ऊपर सारे ऑप्शन, अभी मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूँ सारे फीचर्स क्यों लेना चाहिए, मतलब कैमराज इसके अच्छे हैं ऑन द हैंड, समरी आपको बता दें। फोटोज आपको पता देखेंगे क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैपेबिलिटी भी अच्छी है, स्टेबलाइजेशन भी इसकी बहुत अच्छी है, और इवन मैंने एक छोटा सा हाइपर लैप्स भी बना लिया था, वो भी इसमें प्रीमियम फीचर है। अभी मैं 4K पे नहीं गया हूँ, सब फुल HD पर किया है, तो वो भी मैं सैंपल इसमें डाल दूंगा, अभी आपको दिख जाएगा। हाइपरलैप्स मैंने टेस्ट कर लिया फोटोग्राफी, इट्स गुड कैमरा, सेल्फी भी इसकी अच्छी है। आपको दोनों तरफ से मैंने वीडियो बनाया, तो आपको सेल्फी का भी अंदाजा हो जाएगा और दोनों तरफ से आपको पता लग जाएगा। फ्रेंड्स, तो अभी मैं इस पे हूँ अपना सैमसंग M30S पर, तो आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह का क्वालिटी आ रही है, ये फुल HD क्वालिटी है अभी। तो अभी इसके अलग अलग मोड्स टेस्ट करूँगा, 4K का अलग से वीडियो बनाऊँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा। अभी फुल HD में इसका सारे फीचर्स देखिए, और अब आ जाती है इसकी डिस्प्ले पे। डिस्प्ले इज़ ऑसम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डिस्प्ले में बहुत अच्छा डिस्प्ले है, आपको वीडियोज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है, एंड OLED डिस्प्ले है, प्रीमियम जो फ्लैगशिप फोन में होता है वही डिस्प्ले इसमें है। फीचर आपको बताता हूँ जिसके बारे में कहीं भी प्रमोशन या साइट में नहीं बताया जा रहा, और वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो है साउंड को लेके। अगर आप एक साउंड एंथुजियास्ट हैं और ऑडियो फाइल हैं, आपको म्यूज़िक पसंद है फ़ोन में सुनना, तो इसमें आपको डॉल्बी एटम्स भी प्रोवाइड किया गया है। जी हाँ, इसमें आपको डॉल्बी एटम्स मिलता है, और वो मिलता है स्पीकर्स में नहीं मिलता, आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा, चाहे वायरलेस लगाएं और चाहे हेड जैक भी दिया हुआ है वो भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन दी हुई हैं। और ये टेक्नोलॉजी मैंने सुनी हुई है, अगर आपने टेस्ट करनी है तो उनके साइट पे जाके आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि डॉल्बी एटम्स होता क्या है। डॉल्बी एटम्स आप गूगल में डालिए और फिर आप हेडफोन लगा के अपने कंप्यूटर पे महसूस कर सकते हैं कि होता क्या। बेसिकली आपको बताता हूँ, इसमें 3D साउंड इफेक्ट क्रिएट होता है, कि आपको लगता है जब आप पहनते हैं कि आपके अगर ऊपर से जहाज़ जा रहा है तो आपको एक्चुअल में फील होगा, आवाज़ इस तरह से क्रिएट की जाएगी, आपको लगेगा कि ऊपर से जहाज़ जा रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा क्रिएशन किया जाता है सिनेमैटिक। तो वीडियोज़ और मूवीज़ देखने में अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है तो इसके साथ आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये फीचर कोई भी नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें एटम्स भी हैं। तो ये फ़ोन डिस्प्ले में नंबर वन, बैटरी में नंबर वन, डिज़ाइन में नंबर वन, साउंड में नंबर वन, और हाँ जो सच है वो सच बताएंगे, इसका जो सिंपल विदाउट स्पीकर है वो ओके टाइप्स है, उसमें आपको अगर आप कहें बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है वो, क्योंकि स्पीकर सिर्फ एक ही है इस साइड पे, इस पे मतलब आप वीडियो देख सकते हैं, बट मैं प्रेफर ये करता हूँ, मैं भी हेडफोन में यूज़ करता हूँ, तो स्पीकर फोन कॉलिंग वगैरह के लिए आपने आवाज़ सुनी है तो ठीक है, बट मैं इसको ऑसम नहीं कहूँगा, इस प्राइस सेगमेंट के लिए ठीक है। और अब बात करते हैं, इसके फेस अनलॉक भी है इसमें, इट वर्क्स गुड,
और पीछे फिंगर आईडी भी अच्छे से काम करता है, पर इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो फेस आईडी ज़्यादा एफिशिएंट है आपका, क्योंकि जब फिंगर को दबाते हैं थोड़ा सा इसको आपको प्रेस करना पड़ता है, तब आता है, वैसे इंस्टेंट है। ये देखिए टच करने से थोड़ा सा हल्का सा आपको प्रेस करना पड़ता है पीछे बटन की तरह, तो फ़ोन खुल जाता है, बाकी देयर इज़ नो इशू। और स्टोरेज का आपको मैं कल ही बता गया था कि इसमें ट्रिपल स्लॉट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ऑनर वायर काफ़ी मिड सेगमेंट के फ़ोन ये गलती करते हैं और बहुत गंदा लगता है कि वो ड्यूल जो हाइब्रिड स्लॉट देते हैं उसमें आपको या तो आप दो सिम डालो या एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड डालो, वो बहुत बुरी ऑप्शन है। जितने भी अगर आप सुन रहे हैं मोबाइल मेकर्स, तो ये गंदा हाइब्रिड निकाल दो, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो इसमें आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट जिसमें आप आराम से दो सिम मस्त यूज़ करिए, उसके साथ कार्ड 512 GB तक लगा सकते हैं, तो स्टोरेज की कोई ऑप्शन मतलब कोई कमी नहीं है। अब बात आती है गेमिंग की, नो प्रॉब्लम, मैंने इसमें पबजी खेली है, कोई इशू नहीं आता। 4 GB वाला वेरिएंट है, बेस वेरिएंट ही बहुत अच्छा चलता है, तो 6 GB पे जाने के मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, 4 GB में ही काफ़ी कुछ मिल रहा है, तो क्यों आप 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाएं उसको लेने के लिए। स्टोरेज आपको इसमें मिल जानी है 512 GB, अगर आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है 512 GB का इसमें कार्ड डालो तो स्टोरेज आपकी हो जाएगी। तो अब तक मैंने सारे कवर कर लिए हैं, तो इट इज़ ऑलराउंडर फोन, मस्ट बाय फ़ोन इस सेगमेंट में। काफ़ी कंपेरिजन कर रहे हैं पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काफ़ी फ़ोन्स हैंडल करता हूँ, काफ़ी लोगों के मतलब फ्रेंड्स के जाता हूँ, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मिड सेगमेंट फ़ोन है आज के टाइम पे, तो ज़रूर लें। लिंक मैंने दे दिया है, अगर देंगे तो चैनल को मदद हो जाएगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड दिस वीडियो वॉज ब्रॉट यू बाई GadgetMadam.com, उस पर आपको मिलते हैं ऐसी टेक रिव्यूज़, टेक ट्यूटोरियल्स, एवरीथिंग डेली, उस पर कुछ ना कुछ नया आता है, और प्लीज़ उसको जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब हो सके तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, उसका न्यूज़ लेटर आपके पास आ जाएगा, ईमेल आया करेगी। फेसबुक पर पेज है गैजेट मैडम के नाम से, वो भी फॉलो करें ज़रूर, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, उस पर मैं अपडेट्स देता हूँ लेटेस्ट। एंड तो ये था आज का वीडियो, हो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे तो काफ़ी अच्छे से उसकी रेंज बढ़ेगी, जैसे आपने कल वाला वीडियो काफ़ी लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, तो उसका कारण वो एक दिन में 1000 से ऊपर व्यूज़, मेरा ये ऐसा वीडियो पहली बार मैंने देखा है जो एक दिन में 1000 से ऊपर व्यूज़ कर गया। तो प्लीज़ आप, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया सॉरी, क्योंकि इसका आपको फुल बताना था फीचर्स, काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन और रह गया, लोग एक मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इसके अंदर इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है या नहीं, तो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आप कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर जैसे आप सोच रहे हैं कि जैसे नोट में यहाँ पर आता है ऑप्शन, वो आपको नहीं मिलेगा, पर इनकी अपनी ऐप है, सैमसंग का स्टोर है, ऐप स्टोर, वहाँ से आपको रिकॉर्डर मिल सकता है, अगर आपकी इच्छा है ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करने की तो आप वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लिंक से बाय करेंगे तो चैनल को मदद हो जाएगी, तो प्लीज़ लिंक ज़रूर यूज़ करें जो अमेज़ॉन का मैंने दिया हुआ है। अमेज़ॉन पे फेस्टिव सीजन चल रहा है और इस पर ऑफर्स आ रही हैं काफ़ी अच्छी, अगर आप चाहते हैं कि वो उसके बारे में हम वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।